हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? होप्सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं सैम्पी स्वागत करता हूँ आप सभी का वर्डेंट गेमिंग में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं अपने लिए एक एन्चेंटमेंट बिल्डिंग। तो उसके लिए हमें पहले बेसिक चीज़ें चाहिए होगी, जिसमें है एक एन्चेंटमेंट टेबल। उसके लिए ऑब्सिडियन मैं नीचे से लेके आया हूँ, और डायमंड तो हमारे पास बहुत है, बट उसके अलावा हमें चाहिए होती है बुक्स। तो बुक्स के लिए लेदर फॉर्म हमने पिछले एपिसोड्स में बनाया हुआ है, जो कि है ये। और मैंने बहुत सारा शुगर केन भी उगा उगा के जमा कर लिया है, ऑलमोस्ट 1000 जितना हो चुका है। तो हम इसका यूज़ करके और वहाँ से मिला हुआ लेदर, ये दोनों वापर के बनाएंगे बुक्स, और उसके बाद बुक शेल्फ बनाएंगे। तो वो सब बना लेते हैं और फिर ऑब्सिडियन के साथ ऑब्सिडियन टेबल बनाएंगे। पहले मैं सारी बुक शेल्फ बना लेता हूँ, उसके बाद आपको डायरेक्ट क्राफ्टिंग टेबल भी मिलते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम ऑब्सिडियन लेके आ चुके हैं और अब हम एन्चेंटमेंट टेबल बनाने वाले हैं। बाकी बुक्स और बुक शेल्फ मैंने बना लिया है। तो हम ऑब्सिडियन टेबल बन चुका है, ये हमें लगने वाली आखिरी चीज़ थी। अब मैंने यहाँ जगह मार्क कर दी है और ये सब चीज़ें हैं जो हमें लगेगी। तो अब मैं अपनी सारी चीज़ें वहाँ का ही एक चेस्ट में छोड़ के आता हूँ और हम फिर यहाँ काम शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ 5 की हाइट पे ये स्प्रूस प्लैंक लगाएंगे। मैं डार्क ओक ही यूज़ करने वाला था, पर मैंने सोचा ये वाला फार्म हमने डार्क ओक से बनाया, तो ये वाला हम स्प्रूस से बनाएं। तो चलिए, मैं जल्दी से पहले पिलर्स खड़े कर देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, हमने पिलर्स खड़े कर लिए और फ्लोर भी चेंज कर लिया है। तो अब हम एक्चुअल वॉल खड़ी करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए वो कर लेते पहले, और उसके लिए हम थोड़ी डिज़ाइन में पैटर्न खड़ी यूज़ करेंगे और ये स्प्रूस प्लैंक ही यूज़ करेंगे, जो ज़्यादा मैच होगा इसके साथ। ओके, मुझे साथ में करते आना चाहिए, तो मैं ये कर लेता हूँ पहले। हाँ तो दोस्तों, हमने सारी वॉल फिल कर ली है और अब ये जो गैप हमने छोड़ी है वो फिल करते हैं। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब बेसिक डिज़ाइन ही फॉलो करना है हमें। एक छत बनाते टाइम हमें प्रॉब्लम आएगी, और शायद मैं स्टेयर्स भूल गया। एक मिनट,
हाँ तो दोस्तों, हमने आउटर का सारा काम ख़त्म कर लिया है। अब हम बेसिकली ये छत का स्लैब बनाने वाले हैं, तो वो अब वो फील कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने ये एरिया फिल कर दिया है और अब हम छत की डिज़ाइन बनाना चालू करेंगे। तो उसके लिए हम स्टोन ब्रिक्स स्टेयर्स का यूज़ करेंगे और ये वाली स्प्रूस स्टेयर्स भी थोड़ी यूज़ करेंगे हम। और वहाँ जो जगह हमने छोड़ी है, वहाँ पे हम थोड़ा ऊंचा टावर बनाएंगे, मतलब चर्च में देखा होगा आपने वो टाइप का कुछ, तो जिससे अच्छा लगे। तो वो शुरू करते हैं। हाँ, और मैं एक बात तो बताना भूल ही गया, मैंने यहाँ जो बाम्बू लगाए हैं उससे मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, स्कैफोल्डिंग बनाई। ये टेबल जैसा बहुत अच्छा पड़ता है चढ़ने में, जिससे मुझे टेम्पररी ब्लॉक्स कम यूज़ करने पड़े और मैं अच्छे से जितना चाहूँ उतना ऊपर पहुँच जाऊँ। तो इसका यूज़ करके हम छत बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारा छत का डिज़ाइन बन के रेडी है। कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा स्लैब्स स्टेयर्स और ब्लॉक यूज़ करके बनाया है। सेम मैं और दोनों बाजू भी बनाऊंगा। पीछे के साइड तो टावर आएगा, तो उसकी डिज़ाइन अलग से होगी, बट फिलहाल यही मैं दूसरी दोनों बाजू कॉपी कर रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, हमने तीनों बाजू ये आर्च बना लिए है और अब हम ये वाली बाकी की सारी जगह फिल करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा ऐसे करके और एक आर्च इससे थोड़ी ऊंची भी बनाए, दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, शायद थोड़ा इफेक्ट आएगा। तो पहले हम यहाँ थोड़ी स्लैब लगा लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारी छत बन के एकदम रेडी है, बहुत अच्छी लग रही है। मैं इसका कंप्लीट लुक आपको बाद में दूंगा, फिलहाल के लिए ये देख लो, ये इतनी है, चारों बाजू से अच्छी दिख रही है। अभी इंटीरियर कर लेते हैं और फिर एंड में आपको पूरा एक टूर वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं।
हाँ तो दोस्तों हमारी एन्चेंटमेंट बिल्डिंग बन के एकदम रेडी है, ये बहुत अच्छी बनी है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हम इतना अच्छा बिल्ड कर पाए। तो आप जाते जाते इस वीडियो का कंक्लूजन ऐसे एन्चेंटमेंट बिल्डिंग का टूर देखते जाइए, और आपको ये बिल्डिंग कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। और मैम SMP मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।